जोमारामगढ़ क्षेत्र से बड़ी खबर, घटवाड़ी हल्का पटवारी बोलाराम 2500 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। एडिशनल एसपी के नेतृत्व में एसीबी की टीम ने की कार्यवाही। जोमारामगढ़ जयपुर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने आज सोमवार को जोमारामगढ़ पंचायत समिति अधीनस्थ ग्राम पंचायत घटवाड़ी में कार्यरत अलका पटवारी बोलाराम को 2500 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसीबी की कार्यवाही की सूचना के बाद जोमारामगढ़ उपखंड में अटका मच गया। जानकारी के अनुसार पटवारी ने यह रिश्वत जमाबंदी में नाम संशोधन करने के एवज में मांगी थी। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एडिशनल एसपी बन्ना भाटी ने बताया कि घटवाड़ी निवासी विकास कुमार मीणा ने 22 जून को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के दफ्तर में पटवारी के खिलाफ रिश्वत मांगने की शिकायत दी थी। एसीबी टीम ने शिकायत का सत्यापन कराया तो शिकायत सही पाई गई। पटवारी जमाबंदी में नाम संशोधन करने के एवज में रिश्वत मांग रहा था। उन्होंने बताया कि पटवारी के नाम संशोधन करने के एवज में 3000 रुपए की मांग की थी। इसके बाद परिवादी ने पटवारी को 500 रुपए दे दिए। इसके बाद परिवादी ने भ्रष्टाचार निरोधक जयपुर के दफ्तर में इसकी शिकायत की। शिकायत के बाद सोमवार को एसीबी ने पटवारी को जाल बिछाकर पटवारी को ट्रैप करने की कार्रवाई की। परिवादी रिश्वत के बाकी बचे 2500 लेकर घटवाड़ी पटवार घर पहुंचा। जैसे ही पटवारी ने रुपए हाथ में लिए, उसी दौरान तुरंत एसीबी की टीम ने पटवारी को रंगे हाथों रिश्वत की राशि के साथ दबोच लिया। इनका कहना, अलका पटवारी को 2500 रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। पटवारी ने जमाबंदी में नाम संशोधन के एवज में मांगी थी रिश्वत। वंदना भाटी एडिशनल एसपी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर, पटवारी भोलाराम रेगर को रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोचा। ब्यूरो रिपोर्ट AN24/7 न्यूज राजस्थान।